बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार में जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर पर बदनाम करने का आरोप लगाया, तो उधर जवाब में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी गंभीर को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। गंभीर पर आतिशी के खिलाफ गलत पर्चे बंटवाने का आरोप लगवाया था। तो पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार, आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं, आतिशी और गौतम गंभीर के बीच में जिस तरह से ये वार पलटवार का दौर यहां पर जारी है, वहां हमने आपको दिखाया था कि कल आतिशी और मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे गौतम गंभीर पर। पर्चे में किस तरह के आतिशी के बारे में बात कही गई है, आरोप लगाया कि गौतम गंभीर ने छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उधर गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। गौतम गंभीर ने ये कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, भले ही मैं जीत कर आऊं, लेकिन गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी को आरोप साबित करने की चुनौती भी साथ ही साथ दी है। गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को भी बाकायदा मानहानि का ये नोटिस भेजा है आतिशी के साथ साथ। उधर मनीष सिसोदिया ने गौतम गंभीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आतिशी और गौतम गंभीर का विवाद गहराता जा रहा है, उस पर अब आम आदमी पार्टी हमलावर होने की कोशिश कर रही है। सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। जो चिट्ठी सामने आई आतिशी को लेकर, उस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले आतिशी ने अपनी पूरी बात जो है मीडिया के सामने रखी, अब जो नोटिस भेजा है खुद गौतम गंभीर ने डिफॉर्मेशन का, उस पर बात करने के लिए मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हमारे साथ है। मनीष जी, नोटिस भेजा है डिफॉर्मेशन का आपके ऊपर, मुझे आश्चर्य होता है कि पहले तो इनकी हिम्मत ही हो जाती है कि इस तरह के पर्चे बांटते हैं हमारे खिलाफ, आतिशी के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ, और ऊपर से डिफॉर्मेशन दे रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हम इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस कर रहे हैं। इन्होंने मुझे, अरविंद जी को, आतिशी को बदनाम करने के लिए पर्चे बंटवाए हैं। इनकी पार्टी के नेता ये बकवास करते घूम रहे हैं। भाषाई मर्यादा तो कहा जाए तो सबसे निचले स्तर पर थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है इसका, कोई सबूत नहीं। सबूत इस पर्चे से ज्यादा क्या होगा, वो पर्चा पढ़ लीजिए, वो अपने आप में सबूत है। जिस तरह की भाषा उसमें इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के उसमें लॉजिक्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के, मतलब उनका उनका स्टेटमेंट है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस स्टेटमेंट को एंडोर्स किया है। जो भाषा पर्चे में लिखी गई है वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टीवी पर बोलते देखे गए हैं। लेकिन भाजपा नेता ये भी कह रहे हैं कि जो झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनाव के मद्देनजर, तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने कल टीवी पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिन्होंने कल टीवी पे इंटरव्यू दिया। भारतीय जनता पार्टी के नए नेता हैं उसमें, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं उसमें। गौतम गंभीर ने एक बार भी बोला कि मेरे नेता विपक्ष और मेरे जो बाकी नेता हैं वे बकवास कर रहे हैं। आतिशी के बारे में जो बात पर्चे में लिखी गई है वही बात बीजेपी के नेता इंटरव्यू में कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं ने एक बार भी बोला कि हमारे ये नेता बकवास कर रहे हैं, इनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और अब हमें डिफेमेशन दे रहे हैं, हमारा हमको डिफेम कर रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं इनको। जिस तरीके की भाषा यूज की गई है उसमें, मतलब राजनीति की हर मर्यादा को तोड़ा गया है। शरीफ आदमी इस तरह के किसी के, अपने बारे में तो छोड़िए, किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह के पर्चे को पढ़ नहीं सकता है। वो पर्चा लिख के बांटा जा रहा है, अखबारों में डाल डाल के बांटा जा रहा है, और उसके बाद जब हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं डिफेमेशन तो हम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो गई। भाजपा से आप ही का स्टैंड बता रहे हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये सारा स्टैंड तो इनका, एक पर्चा आया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वही भाषा खुल के बेशर्मी से टीवी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा स्टैंड क्या होगा। ये तो खुद पकड़े जा रहे हैं। अब नोटिस कब तक आप लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं? हम आज कोशिश करेंगे कि नोटिस भिजवाएं इनको जी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने भी साफ कर दिया है कि खुद लीगल कार्रवाई इस पर की जाएगी, और डिफॉर्मेशन का नोटिस गौतम गंभीर को भी भेजवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।